कांग्रेस की सरकार बनानी है और जिसको भी कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है, मुख्यमंत्री ने विश्वास किया, सब लोग मिलजुल कर काम कर रायपुर की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। मुझे इत्तेफाक है, मुझे कोई सूचना कोई पता नहीं था। अचानक जब पता चला, टीवी देखा, लोगों का फोन आना चालू हुआ, तो मुझे मेरे घर में सब लोग खुश हुए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मेरे पर किया है, उस पर खरा उतरूंगा। कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी और इसके साथ ही रायपुर उत्तर, जिसमें सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था, उससे कोहरा हट चुका है। और आखिरकार कांग्रेस ने दो बार के विधायक कुलदीप जुनेजा पर ही विश्वास जताया है और कुलदीप जुनेजा जी को चौथी बार यहाँ से मौका मिला है। जुनेजा जी, काफी कशमकश थी, सस्पेंस था और हर बार पिछले चुनाव में भी सस्पेंस बना था, बहुत इस पे कशमकश था, काफी लोग दिल्ली भी गए हुए थे, इतना टाइम लगा, लेकिन आपको ही मिली टिकट, क्या कहेंगे? जनता का विश्वास और कांग्रेस पार्टी का विश्वास, मुख्यमंत्री जी का विश्वास और सभी नेताओं का विश्वास। 5 साल उन्होंने मेरे काम को देखा है, मेरे आचरण को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है, तो आखिर में घूम फिर कर ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला भगवान का, उसके बाद टिकट मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मेरे पर किया है, उस पर खरा उतरूंगा। इतना समय क्यों मिला, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि इतना समय लगा क्यों आखिर? ये चीज़ थोड़ा जनता जरूर बोल रही थी कि आपको इतना समय क्यों लग रहा है, आप इतना मेहनत करते हो, 5 साल पूरा जनता के बीच में रहते हो, पूरा काम करते हो, तो आपको इतना समय क्यों लग रहा है, जनता जरूर पूछती थी। पर मेरा एक ही सवाल है कि हाईकमान जो आदेश देगा, जो निर्देश देगा, उसका पालन करूंगा। तो टाइम क्यों लगा, यही तो सवाल है कि जवाब इसका टाइम को मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो बड़े हाईकमान के लोग हैं जो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन मुझ पर विश्वास किया ना, आखिर में मेरे काम को विश्वास किया। अच्छा, 22 लोगों की टिकट काटी है कांग्रेस ने, आपकी नहीं कटी, क्या कारण है? ये जनता का जो प्यार मोहब्बत मुझे मिलता है और मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। एक चर्चा आम है, राहुल गांधी जी तो आपको और एक्टिवा को और आपको खास कर जानते हैं, तो क्या लगता है इस बार राहुल गांधी जी के मतलब जोर ज्यादा रहा टिकट दिलाने में अंदर भी, क्योंकि ऊपर लेवल पे भी सब होता है सब चर्चा? वो तो ऊपर लेवल पर मुझे आशीर्वाद देते हैं राहुल जी, खड़गे जी और अपना वेणुगोपाल जी। लेकिन आपके ट्रंप कार्ड देश के अंदर में मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने 5 साल में उनके साथ काम किया, उन्होंने मेरे काम को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा, आचरण को देखा है, उनको जरूर अच्छा लगा होगा कि इसकी टिकट काटेंगे तो जरूर दुख होगा। तो उन्होंने मेरे पर विश्वास कर मुझे पुनः आज मेरे को आज उन्होंने मेरे पर विश्वास करके टिकट दी है, तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसके ऊपर खरा उतरूंगा। अच्छा, कई दिनों से दिल्ली आप लोग का लगातार आना जाना था, लेकिन आज जब लिस्ट आई है, बहुत पहले से आज आप रायपुर पहुंच गए थे, कई घंटे पहले, तो आपको पता चल गया था कि इत्तेफाक? नहीं, मुझे इत्तेफाक है, मुझे कोई सूचना कोई पता नहीं था। अचानक जब पता चला, टीवी देखा, लोगों का फोन आना चालू हुआ, तो मुझे मेरे घर में सब लोग खुश हुए, साथ ही मेरे कार्यकर्ता, मेरे मित्र मंडली, मेरे परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग और जितने दोस्त यार मेरे साथी लोग हैं, सब बहुत खुश हुए और इनको उम्मीद थी, सब लोग को उम्मीद थी और सब जन माथा टेकते थे और मुझे दुआएं भी बहुत सारी मिली हैं। आपको बाद में मालूम चला? हाँ, मुझे बाद में पता चला, लोगों की दुआएं भी मुझे मिली है बहुत सारी और लोगों की दुआएं के कारण भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, अजीत कुकरेजा है, डॉक्टर राकेश गुप्ता है, एजाज ढेबर है, महापौर खुद, बहुत सारे लोग टिकट को लेकर मतलब लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे, क्योंकि एक फिल्टर टेस्ट होता है मतलब राजनीति में तो चाहिए ही, तो ये तो भाई टिकट के लिए हर कोई लगता है, तो ये क्या लगता है आपको टकराव रहेगा, क्योंकि महापौर के लोगों ने तो बहुत मिट्टी तेल तक डाल लिया था अपने ऊपर, फिर राजीव भवन भी गए थे, लोग बोले अगर टिकट नहीं मिली तो पूरे प्रदेश से कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय जो है वो बायकॉट कर देगा, तो ये सारी चीजें क्या असर करेंगी आपको? फिर शाम को देखें महापौर जी ने क्या कहा, कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसका हम काम करेंगे, उनके कार्यकर्ता सा बाकी लोग के लिए भी वो लगता है कि जिसको कांग्रेस टिकट दी उसका काम करेंगे, सब जन कांग्रेस की सरकार बनानी है और जिसको भी कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है, मुख्यमंत्री ने विश्वास किया, सब लोग मिलजुल कर काम कर रायपुर की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। अच्छा, 2 बार आप विधायक रह चुके हैं, विकास खूब किया होगा आपने, इस बार आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे, क्योंकि फिर भाई हम तो पूछेंगे ना कि विकास आप इतना कर चुके हैं कि मुद्दा ही नहीं बचेंगे, क्या करें? ऐसा देखिए, मुद्दे तो खत्म होते नहीं है, मेरा शहरी क्षेत्र है और मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो नगर नियम के साथ मिलजुल कर हम लोग DMA फंड के साथ जो भी कलेक्टर से जो मिलता है, उस मंत्रालय से भी मिलता है, मुख्यमंत्री मतदाता को क्या कहेंगे, मतदाता को तो भाई विश्वास जीतना पड़ेगा ना, विकास देखिए, आप देखिए मतदाता ने विश्वास में रहा और विकास को देखा है 5 साल, हर वार्ड में जाके देखिए, इस बार क्या बोल रहे ना, जो विश्वास मैंने काम किया है उसको भी तो जनता ने देखा है ना, जब देखिए जनता ने इतना काम 5 साल में रोड बनाया, सारे वार्डों के अंदर डामरीकरण कराया, गार्डन बनाया,
और अपने ये जितने भवन बनाए, जितने समाज के सामुदायिक भवन बने, आप चल के देखिए, मेरे साथ दिखाऊंगा, हर समाज को भवन बना के दिया है। तो लोगों ने काम देखा है ना, तो आगे भी जो बचे हुए काम है उसको पूरा करूंगा। अच्छा, भाजपा ने पुरेंद्र मिश्रा जी को टिकट दिया है, गाड़ा समाज बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वैसे तो जो उत्कल समाज और मुस्लिम समुदाय जो होता है कांग्रेस का वोट माना जाता है आमतौर पर, तो इस बार क्या लगता है भाजपा ने एक दांव खेला है उत्कल समाज से टिकट दे के, कितना प्रभाव करेगा? उत्कल समाज बहुत अच्छा समाज है, बहुत बड़ा समाज है, और उत्कल समाज में अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, बहुत लोग अच्छे लोग भी हैं उत्कल समाज में। लेकिन उत्कल समाज तब जिसको काम वोट देगा जो 5 साल उनके बीच में सुख दुख में खड़ा हुआ हो, जो उनके सुख दुख में रहा हो। पुरंदर जी कभी तो आज तक किसी के सुख दुख में आए नहीं, कभी किसी के यहाँ गए नहीं है। तो उत्कल समाज और कोई भी समाज हो, ये जो चुनाव होता है ना, इसमें कोई एक समाज लड़े और कोई काम नहीं किया, हम कभी दिखे नहीं हो तो वोट दे दे, मेरा इसको नहीं मानता। पहली बार उत्कल समाज को राजधानी से मौका मिला है, तो एक प्रेस्टीज की भी हो सकता है बात आया, जैसे आमतौर पर होता है कि समाज के आदमी को बढ़ाना, ये क्या असर करेगा कि आपके विकास कार्य जो आपने काम किया है? जो काम किया उत्कल बस्तियों में चल के आप देखेंगे ना, कितने भवन उनके लिए बनाए, कितना उनके लिए काम किया है, उनके सुख दुख में बराबर 5 साल खड़ा रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि उत्कल समाज का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। प्रचार अभियान आपका कब से शुरू होगा? बस अब आज देखिए टिकट की घोषणा हुई है, कल भी मिलना जुलना चलेगा, और कल आज अष्टमी थी और माता जी के मंदिर में गया हूँ, माथा टेका हूँ और माता जी का आशीर्वाद लिया हूँ, और कल गुरुद्वारे भी जाऊँगा और भोलेनाथ के मंदिर में भी जाऊँगा और जगन्नाथ मंदिर भी जाऊँगा। सब जगह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर वहाँ सब जगह काम करेंगे और लोग मिलजुल कर सब काम करेंगे। ये थे कुलदीप जुनेजा, और आज अष्टमी का दिन है, अष्टमी के दिन इन्हें काफी अच्छी खबर मिली है, सस्पेंस खत्म हो गया है, कल से इनका प्रचार अभियान शुरू होगा। अब देखने वाली बात रहेगी, भाजपा ने उत्कल समाज के एक व्यक्ति को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है, ये उत्कल वोट किस ओर जाता है, क्योंकि इस चुनाव में ये बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि रायपुर उत्तर जो है मिक्स कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखते हैं इस बार का मतदान किसके पाले में होता है और किसकी तकदीर बनती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।